होली इसलिए मनाई जाती है कि त्रेता युग में जब कृष्ण भगवान ने पुतना का संहार किया था, तो पुतना का संहार करने के बाद उन्होंने अपने बरसाने में जाके और जो सखियां हैं उनके साथ में होली उत्सव मनाई गई थी मनाया गया था। और दूसरा जैसे हिरण्यकश्यप जो था राक्षस, उसका जो पुत्र था वो प्रहलाद, उसका नाम प्रहलाद था। जो प्रहलाद वो हरि का नाम जपता था ज़्यादातर, मतलब भगवान के ऊपर विश्वास था उसको, तो और उसके जो हिरण्यकश्यप को इस बात पर वो उसको पसंद नहीं थी कि वो हरी हरी करे, तो उसने हिरण्यकश्यप ने उसके कई प्रकार से यातनाएं दी उसकी हत्या करने के लिए। और उसके बाद उसकी जो बहन थी जो पुतना को ये वरदान था कि वो आग में न जलने की जो वरदान थी, इसलिए उसने क्या किया कि अपने जो उसकी बहन थी उसके गोदी में बैठा के आग के हवाले किया था। लेकिन उसमें जो अच्छे कर्म के लिए ही वो वरदान था, लेकिन उन्होंने जो उसकी जो बहन थी उसने बुरे कर्म में जो साथ दिया था, इसलिए उसमें जो आग में जलाया गया था। तो आग होलिका अरे यार हाँ उसने जब होलिका ने जब जो उसकी जो हिरण्यकश्यप की बहन थी जो वो गोदी में लेके बैठ गई थी, तो उस टाइम क्योंकि जो प्रहलाद था वो हरिहरी का नाम जप रहा था, तो वो उसमें वो नहीं जला, नहीं जल करके उसकी जो हिरण्यकश्यप की बहन थी जो होलिका उस वो जल गई। और जब से होली का उत्सव मनाया जाता है, और तीसरा कारण यह है कि जैसे नया जो फसल जो पैदा होता है, नया फसल पैदा होने के कारण जो किसान भाई है किसान लोग हैं जो खुशी का उत्सव मनाया जाता है। और जैसे चौथा है एक सेकंड आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सारे शहरवासियों को होली की उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं दे सकता हूं। और मेरा नाम है महंत सत्यनारायण दास, सीताराम मंदिर बजरंगढ़ चौराहा।